बट एज लिस्ट भी ऑलरेडी हो गया है तो खुद से ट्राई करो ये। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रही हूं मैं, ठीक है? आपको खुद से अलग से एक एक्टिविटी लेनी होगी, एंड जो कैसे वो लिस्ट भी का सिंगल सेल होता है उसके लिए अलग से दूसरी एक एक्सएमएल क्रिएट करनी होगी, बट आई एम जस्ट शोइंग दैट सिंगल टैबू, ठीक है? हाँ शेयर द स्क्रीन येट। आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ न्यू एक्टिविटी, नॉट सॉरी नॉट एक्टिविटी, एक्सएमएल फाइल, ओके, फॉर कस्टम लिस्ट व्यू। तो आपको क्या करना होगा, एक नई एक्टिविटी क्रिएट करनी होगी या फिर न्यू प्रोजेक्ट ले लो, ठीक है? जिसके अंदर आप एक्सएमएल में एक लिस्ट व्यू लोगे, जैसे आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, राइट? बट आपका जो क्या बोलते हैं, लिस्ट व्यू का सिंगल सेल जो रहता है, ठीक है, एक आइटम आप डिजाइन करते हो वो अलग से एक्सएमएल क्रिएट करते हो, तो वो वाली एक्सएमएल मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई, ठीक है? दैट इज माय कस्टम लिस्ट व्यू, ठीक है? दिस इज इन लीनियर लेआउट, सो आई'ल कन्वर्ट इट इन सॉरी हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, आई'ल कन्वर्ट इन वर्टिकल, राइट? नाउ और यू कैन चेंज इट इन, ये शायद से पता होगा सबको, अगर नहीं पता है तो देख लो। आप कन्वर्ट व्यू करके दूसरे कोई आपको लेआउट अप्लाई करना है, देन यू कैन, सपोज मुझे कंस्ट्रेंट लेआउट अप्लाई करना है, देन आई कैन चूज कंस्ट्रेंट लेआउट लाइक दैट, राइट? गो टू कन्वर्ट व्यू, सेलेक्ट लेआउट एंड अप्लाई लाइक दैट, कस्टमाइज। यस, कंस्ट्रेंट लेआउट, राइट? नाउ आज के प्रैक्टिकल में क्या करना है आपको, ये जो सिंगल टैब रहेगा, यू हैव टू टेक एन इमेज व्यू, ठीक है? ये अवेलेबल है, वही रख लेती हूँ मैं। ठीक है, देन यू हैव टू टेक अ टेक्स्ट व्यू। आप अपने हिसाब से उसकी साइज रख लेना, ठीक है? जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर वही साइज लेके करो, मैं रैंडमली साइज ऐड कर रही हूँ। टेक्स्ट व्यू में क्या डिस्प्ले होना चाहिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है? एरर इसलिए है बिकॉज अभी हमने इनफर कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया है, विल डू इट बट सारे कंपोनेंट ले लेने के बाद। साइज में कर देती हूँ थोड़ा विजिबल रहे, आप अपने हिसाब से देख लेना साइज क्या रखना है, ठीक है? और उसके बाद एक दूसरा टेक्स्ट व्यू, राइट? इन दिस टेक्स्ट व्यू और एक काम कर दे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहने दो, कंट्री का नाम ही ले लो यहाँ पे, ठीक है? वो बेटर रहेगा। और यहाँ पे उसके कैपिटल सिटी लिखो नीचे वाले में, ठीक है? पेज के लिए मैं आपको ऐसे चॉइसेस दे रही हूँ, आइदर आप उसका कैसे नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड या नेशनल फ्लैग, दो रखने रख सकते हो। तो बेसिकली आप क्या करो, कुछ 7 to 10 जितने कंट्रीज के नाम ले का एक एरे बनाओ, 7 to 10 जितने मतलब जो भी कंट्रीज लिए उसके क्या बोलते हैं, नेशनल फ्लैग या नेशनल एनिमल यहाँ पे ड्रॉएबल में स्टोर करवाओ, एंड उसके कैपिटल सिटी का एक दूसरा एरे बनाओ, तीनों को साथ में ला के यहाँ पे आपको यूज करना है, मतलब वैसे आपको टैग दिखनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे साइज सेम कर देते हैं, 30, पता चल गया ना सबको?
करना क्या है? ठीक यस मैम। तो ये हो गया हमारा सिंगल सेल सिंगल आइटम, ठीक है। तो ये वाला प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करना है, कस्टमाइजेबल लिस्ट व्यू। बिकॉज कैसे आपका नॉर्मल लिस्ट व्यू है वो ज्यादातर इतना यूज नहीं होता, अब जब मतलब इन फ्यूचर जब एंड्रॉइड ऐप क्रिएट करोगे ना, दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल। एंड वी हैव नॉट स्टडीड अबाउट स्क्रोल बार और स्क्रोल व्यू येट, तो आप इसे स्क्रोल नहीं कर पाओगे। इफ देयर इज मोर डेटा तो स्टार्टिंग के ही दिखेंगे, आप स्क्रोल नहीं कर पाओगे, तो उसका कॉन्सेप्ट ना फिर सीखेंगे, ठीक है। आपने सुबह लिस्ट व्यू सीखा, ठीक है। लिस्ट व्यू में क्या होता है, एक एक्टिविटी रहती है जिसकी एक्सएमएल एंड जावा फाइल, ठीक है। अब एक्सएमएल के अंदर आप क्या करोगे, क्या किया था, लिस्ट व्यू ऐड किया था, राइट। लिस्ट व्यू में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स आइटम्स रहते हैं, ठीक है। तो आप जो सिंगल आइटम है उसका अलग से एक्सएमएल क्रिएट करते हो, वो कैसे दिखना चाहिए उसके लिए। आपने क्या किया था, सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू लिया था, राइट। अभी हम क्या करेंगे, वो टेक्स्ट व्यू एक सिंपल था, अभी हम क्या कर रहे हैं कि वो सिर्फ टेक्स्ट व्यू में की जगह पे हम इमेज एंड वो टेक्स्ट व्यू बनाएंगे। हमारा लिस्ट व्यू में सिंगल एक आइटम टेक्स्ट व्यू नहीं होती, एनी जगह हम सिंगल आइटम इमेज बन रही है सिटी पछि आनी नीचे बीच में आवे रहते हैं। ऑनलाइन जो बैठा है हमने बताना समझा क्यों टेक्निकल फाइल है प्रैक्टिकल होगी आज आपने કર્યો છે, આ તમારે એડ કરવાનું નહીં થાય, આ તમારા શીખવા માટે છે, બરાબર। પણ સપોઝ કે આ તમારે એડ કરવાનું થાય તો તમે શું એડ કરશો, કે આની જે પેલી મેઈન વાળી XML અને Java ફાઇલ્સ એડ કરશો, ઇન કેસ તમે મેનિફેસ્ટ ચેન્જ કરી હોય તો એડ કરો, અધરવાઇઝ એડ કરવાની જરૂર નથી, બરાબર। જો તમે રિસોર્સિસ મતલબ ચેન્જ કર્યા હોય, મતલબ કલર સ્ક્રીન કે ફાઇલમાં કોઈ ચેન્જ કર્યા છે તો એ એડ કરો, ચેન્જ નથી કર્યા તો નહીં કરો। અને આની અંદર તમે આ અલગ થી XML લીધી છે તો XML નું એડ કરો, અને હા બધાના સ્નેપશોટ જે જે ફાઇલ મોડિફાઈ કે જે મોડિફાઈ કરી છે એક્ઝેક્ટ માના જેનો ક્લિયર। અચ્છા મોડિફાઈ ના કરી હોય તો કોઈ જરૂર નથી, આપણે એને એડવાન્સ માં પછી વધારે ટાસ્ક આપશું, ચિંતા નહીં કરો। तो आई होप एवरी वन गॉट द कॉन्सेप्ट, कोई ने कहीं डाउट हो तो पूछी लो, अने कहीं डाउट ना हो तो स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, ओके। बीजी एक वस्तु, आ सेम वस्तु तमारा पेलामा पण यूज थाय जो तमने आइडिया हो तो, કેમ તમે લિંક્ડઇન નું પેલું રિક્વેસ્ટ વાળી પ્રોફાઇલ જો કે કેમ એક ઇમેજ હોય અને બટન આપી દો કે એક્સેપ્ટ એન્ડ રિજેક્ટ, હા સેમ થિંગ ઇઝ બી યુઝ, હા હા મેમ તમારું બટન ક્લિક કર, હા વોટ્સએપ ચેટ માં પણ સેમ વસ્તુ જોઈ તમારો નેમ શું કહેવાય ફોટો પર નેમ અને જે ટેક્સ્ટ આવ્યું છે એ નીચે આવશે। એક્ચ્યુઅલી એવું ના હોય કે લોકો આખું ડિઝાઇન કરે, સિંગલ સેલ ડિઝાઇન કરે પછી એને એની જે એને એની જે એક ટેમ્પલેટ બનાવી દે, હા
कर लेना एंड लेट मी नो अगर किसी को कुछ डाउट आए तो बात ठीक है. योर अटेंडेंस इज बीइंग रिकॉर्डेड सो इफ यू विश टू लीव द मीटिंग यू कैन.